आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें संत महात्माओं के श्रीमुख से सुनाई गई कथाएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। ज्योतिषी था, गांव में गया, भाई कोई हाथ दिखवा लो, मैं भाग्य देखता हूँ, किस्मत बताता हूँ, कोई हाथ दिखवा लो। अब पूरे गांव में घूमा पर किसी ने भी हाथ नहीं दिखवाया। अब वो गांव से बाहर निकला, दोपहर हो रही थी और एक महिला जो बहुत गरीब थी, कपड़े फटे हुए थे लेकिन कपड़ों को भी उसने इस तरीके से पहन रखा था कि किसी को दिखे नहीं मेरा अभाव। एक टूटी सी झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में लकड़ी भी टूटी फूटी लगी हुई थी, चौका गाय के गोबर का लग रहा है वह भी उखड़ा हुआ था, और वहीं एक पेड़ था नीम का, उसके नीचे बैठ कर के वो चावल बीन रहे थे। ज्योतिषी ने सोचा, निकल कर जा रहा था, सोचा इस बहन से अगर इससे बोलूँगा और ये मेरी बातों में अगर आ गई तो इससे 2-4 रुपया मिल सकता है। आज ज्योतिषी ने देख कर कहा, बहन मैं ज्योतिषी हूँ और मैं भाग्य देखता हूँ, हाथ देख करके भाग्य बताता हूँ। तुम एक काम करो, तुम लगते हो बहुत दुखियारी हो, कष्ट में हो, तुम्हारा हाथ देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारी किस्मत क्या है, और फिर तुम्हें उपाय भी बताऊंगा अगर किस्मत अच्छी कैसे करें। महिला ने कहा, अच्छा महाराज आप ज्योतिषी हैं, आप हाथ देखते हैं, आप किस्मत बताते हैं। हाँ तो ठीक है, मेरे आप देखिए वो सामने जो बैठे ना उनका हाथ देखकर बताइए। अब उस ओर, क्योंकि सड़क का रास्ता था, ज्योतिषियाँ इस किनारे पर, इस ओर जो महिला का घर था वहाँ बात कर रहा था। अब उस ओर उसने देखा तो एक चारपाई पर, टूटी सी खाट पर, चारपाई पर एक बूढ़ा 70-75 वर्ष का बैठा है और एक एक हड्डी दिख रही है, हुक्का पी रहा था। जब हुक्का खींचता था तो एक एक नस खिंच जाती थी और पूरे महाराज गाल बिल्कुल पिचके हुए, खांस रहा है। ज्योतिषी ने देखकर कह दिया कि बहन इसका क्या भविष्य देखूं, इसके पास जाऊंगा तो मारने और पड़ेगा, डांटेगा, और इसका कोई भाग्य नहीं है, इसकी तो किस्मत ही ऐसी दिख रही है, ये तो इतना अभाव में कि इसके पास। मन में सोचा ज्योतिषी ने, इस बहन तो 1-2 रुपये दे देगी, ये तो फटकारेगा, गालियां देगा सीधे, ये कहां से पैसा देगा। आज कहा, बहन इसका क्या भाग देखो, इसका क्या भाग दिखाएगी, ये तो देख ही रहा है फटे हाल, इसका कुछ नहीं होने वाला। आज उस महिला ने जो वाणी कही, जो बात कही, उस ज्योतिषी को नमन होना पड़ा उस महिला के चरणों में। उसने कहा, ज्योतिषी जी आप कह रहे हैं कि इनका कोई भाग्य नहीं, ये फटे हाल है और आप मेरा हाल देखना चाहते हैं, मेरी किस्मत को आप देख करके बताएंगे कि मेरी किस्मत में क्या है। लेकिन मेरी किस्मत तो उसी दिन मिट गई जिस दिन मेरे पिता ने मेरे पति के हाथ में मेरा हाथ दिया था, अब मेरी किस्मत वही है जो मेरे पति की है, आप उनका हाथ नहीं देख सकते, इसका मतलब मेरी किस्मत में कुछ नहीं है, इसलिए आप जाइए, आपका कोई काम नहीं, मेरी किस्मत तो मेरे पति के हाथ में, जैसा उनको प्राप्त होगा वही मुझे प्राप्त होगा। ज्योतिषी चरणों में पड़ गया, मैया तू धन्य है, इतने दुख में है पर अपने पति का इतना गौरव बढ़ा रही है, इतने कष्ट में रहने के बाद भी अपने पति का इतना सम्मान, और ये कौन कर सकता है, एक सनातनीय भारतीय नारी।